नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और इस वक्त आई इंडिया पर बड़ी खबर आ रही है। सीतापुर वासियों के लिए एक विशेष सूचना जारी की गई है। जिला अधिकारी के स्तर से ये सूचना जारी की गई है। आपको बता दें कि इस सूचना में आज सीतापुर में आंधी तूफान के साथ आकाशीय बिजली गिरने की सूचना जारी हुई है, यानी अलर्ट किया गया है, लोगों को आगाह किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लेटर आया है, जो जानकारी दी गई है, उससे पहले ही सीतापुर में आकाशीय बिजली मौत बनकर गिर चुकी है, जिनमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 8 लोग झुलस गए हैं। मौसम विज्ञान की ओर से ये सूचना जारी हुई थी, लेकिन जब तक ये सूचना जारी हुई है तब तक सीतापुर में आकाशीय बिजली मौत बनकर गिर चुकी है। फिलहाल जो अलर्ट जारी हुआ है, कितने जनपदों के लिए जारी हुआ है और सीतापुर के लिए क्या कुछ खास जारी किया गया है, इस समय जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता उदय चौहान, उनके पास चलते हैं। उदय, ये बताइए कि जिला अधिकारी अनुज सिंह ने जो अलर्ट जारी किया है वो क्या अलर्ट है सीतापुर वासियों के लिए? जी, ये मौसम विज्ञान लखनऊ की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। खास बात यह है कि 3:10 पर ये अलर्ट जारी किया गया है और इसके पहले यानी 3 बजे के आसपास सीतापुर में बड़ा हादसा हो चुका था और इसी से संबंधित अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट में साफ तौर से लिखा गया है यूपी के 28 जिले इसमें शामिल हैं। 28 जिलों में सीतापुर का भी नाम है। पहले हम आपको बता देते हैं कौन कौन से वो जिले हैं जहाँ अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम बात करें तो यूपी के हाथरस, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, अमेठी, अयोध्या, लखनऊ, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, जालौन, सुल्तानपुर, झांसी, फतेहपुर, ललितपुर, बहराइच, बाराबंकी, रायबरेली, गोंडा, अंबेडकर नगर, ये वो जिले हैं जिनमें अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज शाम 6:30 बजे तक खतरा ज़्यादा है, उसके बाद भी अलर्ट जारी रहेगा। हालांकि बरसात का सीजन है, लेकिन आज शाम 6 बजे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं, यानी कि तूफान, हवाएं तो नहीं कहेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पीड इसमें दर्शाई गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, यानी कि तूफान आने की आशंका है। बारिश हो सकती है, बिजली भी गिरने की आशंका जताई गई है। लोगों से ये अपील की गई है मौसम विभाग की ओर से कि लोग अगर हो सके तो आज शाम तक घर से बाहर न निकलें, सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। अगर बहुत ज़रूरी होने पर उनको बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो लगातार वो मौसम पर नज़र बनाए रखें। अगर मौसम को बिगड़ते देखते हैं तो तुरंत वो सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर जाएं। ये अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी करने के बाद सीतापुर के जो DM हैं अनु सिंह, उन्होंने बाकायदा ये अलर्ट का पत्र जारी करते हुए मीडिया से भी अपील की है कि तत्काल इसको प्रचार प्रसार के लिए आप लोग प्रसारित करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच सके। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी है सीतापुर वासियों समेत यूपी के उन 28 जिलों के लिए जिन्हें आगाह किया गया है कि वो आज कम से कम 6:30 बजे तक घर से बाहर तभी निकलें जब मौसम का हाल देख लें, क्योंकि आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तेज हवाएं यानी तूफान चल सकता है और आकाशीय बिजली गिर सकती है, इसी बीच बारिश भी हो सकती है। हालांकि ये चेतावनी जो जारी हुई है सीतापुर में, जब तक अधिकारियों ने इसे मीडिया के पास भेजा उससे पहले ही सीतापुर में आकाशीय बिजली गिर चुकी थी, 3 लोगों की जान जा चुकी थी और 8 लोग झुलस चुके थे। तो ये 28 जिलों के लिए एक चेतावनी जारी की गई है। निश्चित तौर पर अब जब सब कुछ पहले से ही जानकारी लग जा रही है, फिर भी कहीं ना कहीं उदय लगता है कि अभी भी विज्ञान बहुत तरक्की कर ले रहा है लेकिन प्रकृति से अभी भी पीछे है। जिस तरीके की जानकारी जारी हुई उससे पहले सीतापुर में हादसा या यूं कहिए आकाशीय बिजली काल बनकर लोगों की जान ले चुकी थी। जी बिल्कुल, प्रकृति को विज्ञान कभी भी नहीं पा पाएगी क्योंकि प्रकृति अलग चीज़ है। हालांकि विज्ञान ने तरक्की तो जरूर कर ली है, पूर्वानुमान विज्ञान जरूर लगा लेता है कि अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ दिनों में क्या कुछ प्रकृति का हाल रहने वाला है, लेकिन सटीक जानकारी अभी भी अगर कहें तो लगा पाने में अक्षम रहता है मौसम विभाग हो या अन्य जो है वैज्ञानिक हो। सिर्फ आशंका ही जताते हैं
कि अगले इतने घंटों में या इतने दिनों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है या प्रकृति का क्या हाल रहने वाला है। तो मौसम विभाग ने इसी संभावना के तहत अलर्ट जारी तो किया, लेकिन कुछ देर हो गई सीतापुर के लिए। हालांकि जो अन्य 28 जिले हैं वहां के लिए भी ये बेहद अहम खबर है और सीतापुर के लिए अहम खबर है, लेकिन कुछ देर हो गई और इससे पहले सीतापुर में बड़ा हादसा हो चुका था। जी बिल्कुल, तो मौसम विज्ञान की जो आशंकाएं हैं अब लगभग सच भी साबित हो रही हैं, फिर भी लेट हो जा रहा है सूचनाएं लोगों तक पहुंचने में। और सीतापुर में प्रशासन ने सूचना लिखित रूप से मीडिया को दी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि आज 6:30 बजे तक घरों से लोग तभी बाहर निकलें जब मौसम साफ हो, अन्यथा मौसम खराब है तो घरों से वो कतई न निकलें। ये चेतावनी सीतापुर प्रशासन के जिला अधिकारी अनु सिंह ने जारी की है।